दोस्तों जायके की खोज में आज हमारी टीम आ चुकी है भिंड ग्वालियर। भिंड ग्वालियर में जो राहुल स्वीट्स है, इनके पनीर समोसे का स्वाद पूरे भिंड ग्वालियर और पूरे मध्य प्रदेश में बहुत पसंद किया जाता है। ये लोग इतने शानदार समोसे बनाते हैं कि जिसने एक बार खा लिया ना वो दोबारा जरूर आता है। आज हमारी टीम जो है इस जायके को जानने आई है कि ये लोग इतना अच्छा स्वाद कैसे दे पा रहे हैं, और आज पूरा हम इस वीडियो में बताएंगे कि ये लोग कैसे काम करते हैं और कैसे ये क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, समोसे को हेल्दी बना के बेचते हैं। अच्छा जी, हमारे यहाँ हाइजीन का और स्वास्थ्य का, कस्टमर की सेहत का स्पेशली बहुत ध्यान रखते हैं। कैसी लगती है आपको? अच्छा, हमारे यहाँ पे साइड चल रही है, 8-9 महीना हो गए। हमारा यहाँ से नाश्ता बराबर जाता है। अच्छा जी, कुछ ना बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है, टेस्ट भी अच्छा है, सफाई भी अच्छा है, दुकान पे बहुत बढ़िया है। ये नहीं खाया तो मतलब कुछ नहीं खाया, सबसे बढ़िया बनाते हैं, इसी वजह से हम लोग इधर आते हैं। टेस्ट अच्छा है। तो भाई राहुल स्वीट्स की जो है यहाँ पे जो है समोसे की मेकिंग स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे देखिए मैदा आ गई है, भैया कर रहा था अपने अजवाइन। तो ये दिन भर प्रोसेस यही ऐसे चलता रहता है? दिन भर ऐसे चलता रहता है, अपने फ्रेश बन रहा है, फ्रेश फ्रेश बनता रहता है। अच्छा जी, चलिए ये देखिए यहाँ पे ऑयल आ गया, अब आपने लेगा पानी। ये देखिए यहाँ पे देखिए प्रॉपर हाइजीन मेंटेन किया गया है। हाँ, अब इसके गोले बनेंगे। अच्छा जी, हाँ, फिर इसके बाद बेले जाएंगे। तो यहाँ पे ये मैदे जो पेड़े तैयार हो गए हैं, अब इसकी हम जो है भराई देखते हैं। यहाँ पे जो है भैया समोसे के लिए जो है पनीर काट रहे हैं, जो हर समोसे में भरे जाएंगे। बस तो यहाँ पे देखिए बढ़िया करके पनीर वाले समोसे बनेंगे यहाँ पे। तो हमारे पनीर फ्राई होगा, अब डालो। ये देखिए बढ़िया करके पनीर फ्राई किया जा रहा है, बढ़िया से गोल्डन जो है पनीर को फ्राई कर दिया गया है। अभी समोसे में डलेगा और सब्जी में डलेगा। हमारे यहाँ जो है हर जितने भी टन होते हैं उस बार नया ऑयल हमेशा यूज किया जाता है। अच्छा जी, चाहे समोसा सेकना हो, चाहे मसाला प्रिपेयर करना हो, चाहे अच्छा दूसरी चीज बना, पूरी कढ़ाई धुल के और मांझ के रखी गई है और उसमें अब ऑयल डाला जा रहा है। प्राइम है, ये फ्रेश ऑयल जा रहा है। आप देख सकते हैं कि हमारे शॉप में पूरे फ्रेश आलू का यूज किया जाता है, छीलने के बाद, और एकदम फ्रेश आलू लिए जाते हैं और छीलने के बाद ही उनका मसाला और जो है सब्जी तैयार की जाती है जी। और देखिए सारे पूरे ड्रेसफुल मिलेंगे और सभी लोग हमारे यहाँ पूरे बाकायदा हैट लगाए हुए हैं, जिससे कोई भी पॉल्यूशन गंदगी ना हो, इन लोगों के बाल वगैरह जो है सब्जी या समोसे में ना जाए उसका पूरा हमारे यहाँ ध्यान रखा है। यहाँ पे देखिए आलू फोड़े जा रहे हैं। हाँ देखिए, अब ये हमारे जो है मिर्ची और धनिया का तैयारी की जा रही है आलू के मसाले के लिए। और आप एक चीज़ देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जो भी सब्जियाँ यूज होती हैं उनको हम 2 से 3 बार धुलाई करने के बाद ही उसको आगे की प्रोसेस के लिए ले जाते हैं। कस्टमर की सेहत का और हाइजीन का हमारे यहाँ पूरा ध्यान रखा जाता है। अच्छा जी, इस चीज को आप हमारे यहाँ बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जाता। अच्छा जी, तो जो आप खाते हो वही खिलाते हो? जी, जो हम खाते हैं, वैसे भी हम जैन लोग हैं, हमारे यहाँ हाइजीन का और स्वास्थ्य का, कस्टमर की सेहत का स्पेशली बहुत ध्यान। मसाले को फ्राई किया जा रहा है। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो हमारे शॉप में जो मसाले यूज करते हैं हम लोग सब्जी और समोसे के लिए, ये सारी चीजें हमारे डाइजेशन के लिए और स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छा जी, तो कहने का मतलब हेल्पफुल है, जो समोसे को हेल्दी बना के बेचते हैं। अच्छा जी, और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि मिर्ची धनिया हल्दी जो भी हमारे यहाँ यूज होती है ये हमारा एक सीक्रेट है। अच्छा कि पूरा हम उसको अपने यहाँ खड़े मसाले लाए जाते हैं और उसको बाद हम अपने अपनी चक्कियों पे पिसवा करके ही हमारे यहाँ उनको यूज किया जाता है। क्या बात है जी, मटर भी आएगी? जी बिल्कुल जी, अगली प्रोसेस है। देखिए हल्दी आ गई है, और मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो हल्दी है वो कोई भी हमारे यहाँ बाजार से लाई हुई हल्दी नहीं है, हम खुद खड़ी हल्दी लेके आते हैं मार्केट से, उसके बाद पिसवा कर ही अपने मसालों में हल्दी यूज करते हैं। अच्छा जी, क्या बात है जी। आलू पूरे छिलने के बाद ही आए हैं मसाला बनने के लिए। हमारे यहाँ जितनी मैदा की जरूरत होती है उतनी हम लोग बनवाते हैं, और जितना आलू का जो मसाला होता है बार बार जितने फ्रेश समोसे बनते जाते हैं उतना ही मसाला हम बनवाते जाते हैं और फ्रेश समोसे तैयार करवाते जाते हैं। क्या बात है। अब अगली प्रोसेस है, ये गरम मसाला, ये हमारे जो मसाले की और सब्जी की है वो स्पेशलिटी है और जान है। अच्छा, और क्या डाल रहे हो? इस गरम मसाले में इतने मसाले हैं कि आप गिन भी नहीं सकते हैं। इसमें कम से कम 15 से 20 मसाले इस गरम मसाले में मिले हुए, पिसी हुई खटाई है, ये धनिया पिसा हुआ, कसूरी मेथी आ गई है। कसूरी मेथी इनकी इतनी जोरदार है ना, इन्होंने डालते एकदम खुशबू हो गया यहाँ पे। ये देखिए, ये हमारे यहाँ की कसूरी मेथी का स्पेशल चीज बता दूं मैं आपको कि इस पूरी कसूरी मेथी में आपको एक भी लकड़ी नहीं मिलेगी। नहीं तो अदर जगह क्या होता है, कसूरी मेथी में बहुत सारी लकड़ियां होती है लेकिन इसमें एक भी लकड़ी नहीं मिलेगी आप। ये काला नमक आ रहा है और ये टाटा नमक आ रहा है, ये लाल मिर्ची, ये 15 मिनट तक भुंजाई चलती है। और वो ऐसा इसलिए करते हैं कि जो भी इतने मसाले हमने इसमें मिक्स किए हुए हैं वो सारे आपस में मिल जाए और जो उनकी स्मेल है, जो खुशबू है, वो सारे कस्टमर्स के मुंह तक जा सके और उनको स्वाद दे सके, बस यही। ये धनिया पत्ती जो अभी आपके सामने 3 बार धुली जा चुकी है वो धनिया पत्ती अब इस मसाले में आ रही है। और ये देखिए, ये धनिया पत्ती के बाद में जो हमारे समोसों की जो बेस्ट स्पेशलिटी है वो हमारे यहाँ का फ्राइड पनीर, जो हर समोसे में लगभग आपको मिल ही जाएगा। पनीर हमारे यहाँ समोसे के मसाले में यूज किया जाता है। मैदे के जो पेड़े बना के रखे हुए थे वो अब बिलते जा रहे हैं और अब समोसे के लिए जो तैयारी है आगे का नेक्स्ट प्रोसेस चलता जा रहा है। मैदा मिल रही है यहाँ पे, और जो मैदा मिलने के बाद है उसके पीस बना के रख लिए गए हैं, और ये पीस बनाने के बाद जो हमारे यहाँ के बर्गर है अब वो उसको स्टार्ट करेंगे। देख सकते हैं आप, और अब यहाँ पे देखिए हमारे समोसे की भराई स्टार्ट हो गई है जी। ये देखिए, और देखिए यहाँ पे देखिए हर समोसे में जो है पनीर जो है पीस आ रहा है। देखिए जी बिल्कुल, वो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था
ये हर समोसे में आपको पनीर का पीस तो 100% मिलना ही है। अच्छा जी, जी बिल्कुल। दो हो सकते हैं, ये नहीं होगा, ये दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, लेकिन होगा जरूर, ये कंपलसरी है। क्या बात है, ये देखिए जो हमारे यहाँ वर्कर है वो समोसे को लगातार भरते जा रहे हैं। ये जो समोसे हमारे प्रिपेयर हो चुके हैं और देखिए ये स्टोर किए जा रहे हैं फ्रिज में, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है और हमारे यहाँ कंटिन्यू ऑर्डर आते रहते हैं। अच्छा जी, तो फैक्ट्रीज वगैरह में देने के लिए या सुपरवाइजर है, मैनेजर है, उनके कंटिन्यू ऑर्डर आते हैं, तो उनको देने के लिए ये स्टोर करके हमें रखने पड़ते हैं। अच्छा जी, और ये जो समोसे हैं ये आपको 2 से 3 घंटे में ये पूरे खत्म होने वाले हैं। और अब आप देख सकते हैं ये जो समोसे हैं हमारे सिक्के फ्राई हो गए, एकदम रेडी हो चुके हैं। और कलर देखिए समोसों को, हमारे यहाँ का एकदम गोल्डन कलर के समोसे बनाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करते हैं, नहीं तो उसमें बहुत ज़्यादा डार्कपन आ जाता है। फिर हम पहुँचवा देंगे, वीडियो लेने ले जाते हुए।